जय जोहार संगवारी हो, मैं हाँ बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन दिखैया हमर जम्मो दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो, अवैया 26 जुलाई के देशभर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाही। ये दिन हा देशभर में बछर 1999 के कारगिल के युद्ध हा देश के वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा के तीर में कारगिल के ऊंचा पर्वत चोटी में ए लड़ाई ला लड़े रहिन। यही मौका में भारतीय सेना के सूरवीर मन हा अपन जान गवाए रहिन और एकरे संग ये सूरवीर मन के साहस पराक्रम और बलिदान ला याद करत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक में देखो। कोविड रोधी एहतियाती खुराक के टीका देशभर में मुफ्त में लगाए के अभियान के हुई शुरुआत। आजादी के 75 बछर पूरा हो के मौका में शतरंज ओलंपियाड के मसाल हा रायपुर पहुंचिस। राजधानी रायपुर में करी सिकर भव्य स्वागत। सरकार कोती ले सिंगल यूज प्लास्टिक में प्रतिबंध ला ग्राहक और दुकानदार मन के घलो मिलत है समर्थन। जांजगीर चांपा जिला के रहिया महिला किसान शिव कुमारी हा महिला मन बर बनिस मिसाल, खुदे ट्रैक्टर चला के करत हवे खेती। और नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मा अब लैका मल्ला शनिवार के बस्ता के बोझ ले मिलही छुटकारा। कोविड रोधी एहतियाती खुराक के टीका ला अब मुफ्त मा लगाए के अभियान के शुरुआत हो गए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हा ये अभियान ला देश के हर बछर और ओखर ले ज्यादा आयु के वयस्क के लोगन मन पर एहतियाती खुराक के दायरा ला बढ़ाए के उद्देश्य ला लेके ये अभियान के शुरुआत ला करे हवे। अवैया 75 दिन बार सबो वयस्क मन पर कोविड रोधी एहतियाती खुराक मुफ्त मा दे के अभियान के शुरुआत हो गए हवे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया हा कहिन हवे कि ये विशेष अभियान के उद्देश्य हरे कि 18 बछर और ओखर ले ज्यादा आयु के वयस्क आबादी मन पर कोविड टीका के एहतियाती खुराक दे के दायरा ला बढ़ाना हवे। अब अपन ट्वीट संदेश में श्री मंडाविया हा सबो पात्र लोगन मन ले एहतियाती खुराक ले के आग्रह घलो करिन है और ये विशेष टीकाकरण अभियान हा आजादी के अमृत महोत्सव के एक ठन हिस्सा है। ये विशेष अभियान के मौका में सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र मन में घलो सबो पात्र लोगन मन ला निःशुल्क में एहतियाती टीका लगाए जाही। छत्तीसगढ़ में घलो सबो वयस्क मन पर कोविड रोधी एहतियाती खुराक मुफ्त में दे के अभियान के शुरुआत हो गई है। रायपुर जिला में घलो सबो वयस्क मन ला कोविड रोधी एहतियाती खुराक निःशुल्क में दे जात है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र में घलो 18 बछर ले ज्यादा आयु के सबो पात्र लोगन मन ला निःशुल्क में एहतियाती खुराक लगाए के शुरुआत करे गए है और ये टीकाकरण ला लेके लोगन मन में घलो उत्साह देखे जाते। और तीसरा नंबर का कोविड ये दे रहे हैं, आज दिए हैं, इसलिए हम सोचते हैं सब अच्छा ही होगा। हमारे लिए बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे एज के जितने भी हैं समय पे वैक्सीन लगवा लेवें और सेंट्रल गवर्नमेंट की इस योजना का फायदा उठाएं जल्दी और स्वस्थ रहें। अब आप मतलब बता दें कि केंद्र सरकार हाल ही में कोविड के दूसरा डोज के बाद बूस्टर डोज के बेरा ला 9 महीना ले घटा के 6 महीना कर दे हवे। आजादी के 75 बछर पूरा होए के मौका में शतरंज ओलंपियाड के मसाल हा देश के 75 शहर मन ला होके गुजरत हवे। एकरे तहत मा दंतेवाड़ा के आस्था स्कूल मा शतरंज के प्रशिक्षण लैका मन ला घलो दे जात हवे, जेखर ले लैका मन ला बौद्धिक अभ्यास मा मदद मिल सके। शतरंज ओलंपियाड के रिले टार्च हा रायपुर पहुंचिस। भारत के आजादी के 75 बछर पूरा होए के मौका मा शतरंज ओलंपियाड के मसाल हा देश के 75 शहर मन ला होके गुजरत हे, जेखर 61वां पड़ाव हा रायपुर पहुंचिस, जेखर स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर मा ढोल नगाड़ा के संगे मही शतरंज ओलंपियाड टार्च के भव्य स्वागत करेगीस। चवालीसवां शतरंज ओलंपियाड के मसाल ला अर्जुन पुरस्कार ले सम्मानित ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसेहा भुवनेश्वर ला लेके रायपुर पहुंचिन और वहा एला मुख्यमंत्री ला ये मसाल ला सौंपिन है और दोनों जन हा शतरंज घलो खेलिन है। मुख्यमंत्री हा ये मसाल ला राज्य के शतरंज खिलाड़ी वुमन फीडे मास्टर किरण अग्रवाल ला सौंपिन। किरण अग्रवाल हा राज्य चेस एसोसिएशन के महासचिव विनोद राठी के संग मा एला लेके हैदराबाद जाहे। इही मौका मा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कहिन हवे कि छत्तीसगढ़ मा अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के पहल मा 22 स्कूल मन मा शतरंज ला बढ़ावा दे के कार्य शुरू हो गए हवे। बालोद जिला जैसन स्कूल पायलट प्रोजेक्ट शुरू करैया यह पहली जिला बन गई हवे। दंतेवाड़ा के आस्था स्कूल मा शतरंज के प्रशिक्षण घलो दे जात हवे।
उन्हें प्रदेश के सबो स्कूल मन में शतरंज खेले के व्यवस्था हुआ ताकि लड़का मल्ला बौद्धिक अभ्यास में मदद मिल सके। लेकिन हर ओलंपियाड में ये ज्योति निकलेगी नवी दिल्ली से और सब जगह दुनिया भर जाएगी। यहाँ ये अपने हीरक महोत्सव पे 75 शहरों में ये टॉर्च जा रही है और सारे स्टेट कैपिटल, सारे यूनियन टेरिटरी कवर करके फिर महाबलीपुरम जाएगी ये टॉर्च, वहाँ पे प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। तो हमने एक हमारा संदेश जो है, पीस का संदेश है, वसुधैव कुटुंबकम, वो संदेश भी हम दे रहे हैं कि वी आर वन फैमिली। तो दुनिया में पीस अमन बना रहे इसके लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया है ओलंपियाड और ये टॉर्च कहाँ। 44वीं ओलंपियाड भारत में होने जा रहा है और इसके लिए मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। पहली बार हमको मेजबानी का अवसर मिला है, पहले मेजबानी रूस को मिला था और आप सबको पता है रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसके कारण से ये मेजबानी हमारे देश को मिला है। आदरणीय साथियों, चेस में आप सभी जानते हैं यह खेल बौद्धिक खेल और उस खेल में हमारे देश के अनेक लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध ला लोगन मन के संगे संग दुकानदार और ग्राहक मन ला घलो एकर समर्थन मिलत हवे और लोगन मन हा खरीदारी करे बर कपड़ा ले बने थैला या फिर जूट ले बने थैला के उपयोग करत हवे और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध पर जन जागरूकता अभियान ला घलो चलाए जात हवे। केंद्र सरकार कोती ले सिंगल यूज प्लास्टिक मा पूर्ण रूप ले प्रतिबंध लगाए के बाद दुरुग भिलाई के बाजार मा घलो एकर असर हा देखे बर मिलत हे। जी हाँ, लोगन मन हा बाजार मन मा खरीदारी करे बर अब प्लास्टिक बैग के जगह मा जूट और कपड़ा ले बने थैला के प्रयोग करत हे। उन्हें दुकानदार मन हा घलो प्लास्टिक के प्रयोग ला लेके लोगन मन ला जागरूक करत हवे। नगर निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण चंद्र सरवा बताइस हवे कि 1 जुलाई ले केंद्र सरकार कोती ले सिंगल यूज प्लास्टिक और ओखर ले बने उत्पाद मन ला पूर्ण रूप ले प्रतिबंध लगा दिए हवे। यह अभियान ला लोगन मन के घलो समर्थन मिला थे। इस तारतम्य में जो है 1 जुलाई से हम कड़ाई से भिलाई निगम क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए, इसका पालन कराने के लिए जो है आयुक्त महोदय ने टीम का गठन किया है। टीम में जो है नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है ताकि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लगातार पॉलीथीन पर कार्रवाई की जा सके। अभी छापामार कार्रवाई करते हुए लगातार हम लोग जो है टाउनशिप के क्षेत्रों में, भिलाई निगम के बाजार क्षेत्रों में, दुकानों में छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करने के साथ ही जुर्माना भी लिया जा रहा है और मेरी आम नागरिकों से अपील है कि वे जो है कागज़ के बने हुए उपयोगी वस्तु जो है दैनिक कार्यों में जो उपयोग किए जाते हैं उनका उपयोग करें। इसके साथ ही जब भी मार्केट में जाते हैं, बाजार क्षेत्रों में जाते हैं, तो अपने साथ में कपड़े का थैला रखें। प्लास्टिक को छोड़कर जो भी थैले उपयोग किए जा सकते हैं, जिसको डिकम्पोज किया जा सकता है, ऐसे थैलों का उपयोग करके जो है हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। आउहे लोगन मन हा बाजार मन मा घलो खरीदारी करे बर जूट और कपड़ा के थैला लेके पहुंचा थवे। बहुत जगह मैंने देखा है कि हम लोग सब्जी मार्केट में भी जाते हैं तो लोग स्वयं कपड़े की थैली देते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ तो प्लास्टिक की थैली नहीं है। तो धीरे धीरे शनै लोगों में जागरूकता आ रही है, परंतु कहीं ना कहीं हमारी सरकार से भी लापरवाही होती है। जब जागरूकता आनी शुरू होती है तो हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। सबसे पहले तो बैंक जहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ बनती है उस जगह लगाई जाए, क्योंकि जहाँ से प्लास्टिक की थैलियाँ निकलती हैं यदि वहाँ बैंड लग जाएगा तो अपने आप प्लास्टिक की थैलियाँ बन जाएंगी। अब इसने ही दुकानदार मन हा घलो ये बात ला माना थवे कि प्लास्टिक हा पर्यावरण पर नुकसानदायक है और सरकार के कोती कर ये फैसला हा सही जाए। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि पॉलीथीन को केंद्र सरकार ने बैन किया है, अब कपड़े के बैग का ही उपयोग करें, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण की आज जो दुर्दशा है उसके लिए हमारे व्यापारी बंधु भी अब पॉलीथीन को त्याग कर कपड़े का बैग यूज़ करने लगे हैं। जहाँ पर कपड़े का बैग यूज़ नहीं हो रहा वहाँ पर कागज़ के बैग का उपयोग करें और अपने पर्यावरण को बचाएं। और जो प्रधानमंत्री जी ने बैन लगाया है उसको समर्थन करें। अब आप मतलब बता दें कि बाजार मन मा एसोसिएशन के संगे में ही स्थानीय प्रशासन कोती ले प्लास्टिक के प्रयोग के खिलाफ मा जागरूकता अभियान घलो चलाए जाते
और सिंगल यूज प्लास्टिक ले बने सबो चीज ला जब्त करे के अभियान निगम कोती ले चला जात हवे। जांजगीर चांपा जिला के रहिया शिव कुमारी राठौर हा महिला किसान आए जौन हा हर चुनौती ला सामना करत हुए ट्रैक्टर चलाते और महिला मन हा आज सबो क्षेत्र मा आगू बढ़त हवे और यही हा आज के भारत के महिला आए। महिला मन हा आज कोनो भी क्षेत्र मा पीछे नहीं है। महिला मन हा आज वर्तमान बेरा मा हर चुनौती ले डट के ओकर सामना करत हवे। ऐसने ही एक झन महिला शिव कुमारी राठौर आए जेन्हा ट्रैक्टर चला के अपन अलगे ही पहचान बनाए है। महिला किसान शिव कुमारी हा कारपेंटर के कारज ला घलो करते। एखर अलावा वह खेत मा घलो बड़ आसानी रे ट्रैक्टर चला लेते और ओखर खास बात यह है कि वह जांजगीर चांपा जिला के अड़भार के हरदी मोहल्ला मा रहिया शिव कुमारी राठौर हा कक्षा नवी तक बस ही पढ़े हवे। शिव कुमारी हा बताई सबे कि वह हर मॉडल के ट्रैक्टर ला चलाए मा माहिर हवे और संगे में ही कोनो भी प्रकार के खेती के जुताई में ओला कोनो परेशानी नहीं हुआ। मैं अभी जोताई के काम चला थे मतलब कृषि के ओमा मैं अभी जोताई करा था वह और मोर ट्रैक्टर लेहे 8 साल हो गए हैं लेकिन मोर सीखे हर 5 साल हो ही सावे और मैं कृषि में जैसे के लखाही है ये सब लोग मैं डोहा लेता हूँ और मतलब लहरा है लहरा भी जोताई कर लेता हूँ और जैसे ट्रैक्टर में खुर्रा जैसे खुर्रा भी जोताई है सब में मैं काम कर लेता हूँ और जैसे के कछु भी लोड रही ट्रैक्टर में मैं पूरा मैं ओकर काम कर रहा और मतलब ट्रैक्टर में ऐसे चीज नहीं है कि ये काम कर नहीं सकूँ मतलब मैं ट्रैक्टर के हर काम करता हूँ। अब आपन ला बता दें कि शिव कुमारी राठौर हा बीते 5 बछर ले ट्रैक्टर चला के खेती के कार्य करत हवे। नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मा अब स्कूल के लइका मन ला हर शनिवार के बस्ता के बोझ ले छुटकारा मिल जाही। अब लइका मन हा हर शनिवार के बिना बस्ता के स्कूल जाही और ये दिन लइका मन ला बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा के संगे में ही रोजगार मूलक शिक्षा के पाठ ला घलो पढ़ाए जाही। नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मा अब स्कूल के लइका मन ला हर शनिवार के बस्ता के बोझ ले मुक्ति मिलही। यही कड़ी में राजनांदगांव जिला के बजरंगपुर नवागांव के शासकीय स्कूल में शनिवार के बैगलेस डे मनाएगी सवे। ए मौका में स्कूल के लइका मन हा बिना बस्ता के स्कूल पहुंचे रहिन। लइका मन ला खेल के माध्यम ले सबो प्रकार के जानकारी दी गिस और गीत कहानी रंगोली और पेंटिंग के माध्यम ले घलो लइका मन ला पाठ पढ़ाए गिस। उहे स्कूल के शिक्षक सीमा सी बघेल हा बताई सवे कि हर शनिवार के बस्ता के बोझ ले मुक्ति दिलाए बर ए योजना की शुरुआत ला करे गए हवे। बैगलेस डे के तहत मा विद्यार्थी मल्ला पढ़ाई के संगे में ही कौशल आधारित मनोरंजन के पाठ ला घलो पढ़ाए जाही। आज शनिवार को शासकीय बालक प्राथमिक शाला बजरंगपुर नवागांव में शासन के आदेशानुसार आज बच्चों को बैगलेस डे शनिवार विद्यालय 7:30 को लगाया गया और बच्चों को सबसे पहले प्रार्थना स्थल में जिस प्रकार विधिवत प्रार्थना होती है प्रार्थना कराया गया। उसके पश्चात क्योंकि अभी ये रेनी सीजन बारिश का दिन है उन मौसम इस मौसम को ध्यान रखते हुए बच्चों को परिस्थितिवश जैसे जिस प्रकार से योग करवाना चाहिए उसमें से प्राणायाम कराया गया। उसके पश्चात जिस प्रकार से विद्यालय का संचालन अन्य दिन होता है उस प्रकार से नहीं बल्कि आज बैगलेस डे का प्रथम शनिवार था उसमें जो हमारी शासन के द्वारा जो गतिविधियां बताई गई है उसके अनुसार विद्यालय का संचालन किया गया। उसमें गतिविधियों में है जैसे बाल गीत है गीत कहानी है और बच्चों को रंगोली चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई। अब आप मतलब बता दें कि नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवाचार ले जी हाँ लइका मन में बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा के विकास हो ही तो उन्हें रोजगार मूलक शिक्षा मिले मा स्वरोजगार के भावना के घलो विकास हो ही। ता एकरे संग आज के अंकला यही मेर विराम देथन संगवारी हो और मिलबो अवैया इतवार के यही बेरा मा एक ठन नवा अंक लेके। बबीता मार्कंडेला दो बीता जय जोहार।